स्वामी जी इसी अपने माघ मेले में अपने धर्म क्षेत्र में कुछ तथाकथित संत द्वारा बाकायदा शिविर लगा के इस तरह का प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि गायत्री कोई देवी नहीं है, तो क्या यह सनातन धर्म सनातन संस्कृत के अनुरूप है? मंत्र की अधिष्ठात्री देवी होती हैं और अधिष्ठात्री देव होते हैं। हमारे यहाँ अधिदैव की दृष्टि से पृथ्वी के भी देव होते हैं, पृथ्वी देवी है, जल के भी देव वरुण हैं, अग्नि के देव भी होते हैं, अग्नि देवता प्रकट होते हैं, वायु देव भी हैं, आकाश भी देव हैं, अहम तत्व भी देव हैं, महत्तत्व भी देव हैं। ब्रह्मा के रूप में महत्तत्व के अधिदैव का वर्णन है। कारणोपाधिक परमात्मा सर्वेश्वर भी देव हैं, अव्यक्तोपाधिक परम देव सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर हैं। मंत्र का अर्थ क्या होता है? देवता का कारण शरीर मंत्र, सूक्ष्म शरीर तंत्र और स्थूल शरीर यंत्र होता है। देवता सगुण साकार होते हैं। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार बोल रहा हूँ, जो लोग कहते हैं कोई देवी नहीं गायत्री, उनको विधिवत शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, उनके चपेट में प्रबुद्ध व्यक्तियों को सनातनियों को नहीं आना चाहिए। जिनका कहना है कि कोई गायत्री देवी नहीं, उन्होंने शास्त्र का विधिवत अध्ययन नहीं किया। साथ ही साथ यह भी समझना चाहिए कि गायत्री मंत्र पांचों देवताओं के लिए प्रयुक्त होते हैं। गायत्री चूँकि छंद है, इसलिए गायत्री देवी के रूप में उसकी प्रसिद्धि हो गई। गायत्री मंत्र की अधिष्ठात्री देवी, गायत्री मंत्र का जो अर्थ है वो पांचों देवताओं से संबद्ध है। पांचों देवताओं के मूल में परब्रह्म परमात्मा ही हैं, इसलिए विवक्षावसात गायत्री के अधिदैव के रूप में पांचों देव में किसी को भी स्वीकार कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। आगे